हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2021-24 में बीए बीएससी बीकॉम यूजी एडमिशन और 20-22 में एमएमएस सीएमकॉम पीजी एडमिशन ले रहे हैं, 12 जून से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए VKSU आरा ऑफिशियल। 21,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज का और एक एक सूचना वहाँ पर विश्वविद्यालय का डाला जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से पेज को लाइक कर सकते हैं। VKSU से जुड़ी पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज का सूचना वीडियो के माध्यम से और stresult.com वेबसाइट पर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडमिशन का पूरा नियम को जारी किया गया है, क्या विवरण है चलिए जानते हैं विस्तार से। नए एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी फिक्स डेट जारी कर दिया गया है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में समझते हैं फॉर्म में गलती का सुधार कैसे होगा और बहुत सारे छात्रों का पेमेंट के बाद स्लिप नहीं निकल रहा है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, कब से निकलेगा, चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एमएमएस सीएमकॉम स्नातकोत्तर 20-22 में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। देखिए पूरा इसको हम शॉर्ट वे में समझा देते हैं, अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से VKSU आरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहाँ 21,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हैं वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ ये सूचना को दोपहर में ही डाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वे में आपको समझा देते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए आप कोई बैचलर डिग्री किए हैं, बैचलर के बाद मास्टर डिग्री कीजिएगा, तो बैचलर डिग्री जिस सब्जेक्ट में किए हैं उसी में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आपका 45% मिनिमम उसमें रहना चाहिए बैचलर डिग्री में। लेकिन अगर आपका सब्सिडी में भी जो सब्जेक्ट है उससे भी आप यहाँ पर मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका 55% नंबर रहना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखता है कि सब्सिडी से भी प्रवेश ले सकते हैं जिसमें न्यूनतम 55% रहना जरूरी है, तो वहाँ से भी आपका मास्टर डिग्री, मतलब जो भी जैसे मान लीजिए पीजी में आप एडमिशन ले रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स है तो एमए भी हिस्ट्री से कीजिएगा, तो उसमें आपका 45% भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो आप उससे भी अगर करना चाहें एमए तो कर सकते हैं, लेकिन आपका सब्सिडी के सहारे जाइएगा पीजी में एडमिशन लेने तो आपको 55% नंबर रहना जरूरी है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका देखिए डिटेल्स बताया गया है कि जो भी आपका देखिए छात्रों के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसलिए विभाग कॉलेज अपने लॉगिन से नामांकन के बाद ऑनलाइन मोड में ही निम्नलिखित सुधार सावधानी पूर्वक करें। देखिए अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए उसमें आप कुछ गलती कर दिए हैं तो आप VKSU@helpenable.com को मेल भी कर सकते हैं सोमवार से शनिवार तक सुबह आप 10 से 5, लेकिन फिर भी सुधार नहीं होता है तो नामांकन के बाद आपका कॉलेज ही ऑनलाइन मोड में सुधार कर सकता है। अगर आपका पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जाति, प्रतिष्ठा का विषय एवं प्राप्तांक और संबंधित सहायक विषय एवं प्राप्तांक, ये सब आपका जितना भी डिटेल्स है ये आपका कॉलेज लॉगिन आईडी अपना उसको दिया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, वो सुधार कर देगा नामांकन के बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि देखिए अभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, आगे चल के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड कीजिएगा, लेकिन आपका एडमिशन भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ भी अगर उसमें गलती है तो आप उसका इतना चीज़ देखिए, अगर आपका गलती है तो आप कॉलेज में भी सुधार करा सकते हैं। ये था बात आपका एमए एमएससी एमकॉम एडमिशन का। आप चलिए ये देखिए ये बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन का पूरा डिटेल्स यहां पर देखिए। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी संकाय से कॉमर्स में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए और साइंस एवं कॉमर्स से आर्ट्स में प्रवेश लेने के लिए उस संकाय में न्यूनतम प्राप्तांक एग्रीगेट 45% होना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन के लिए। जितना भी आपका मेन सूचना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा जो विश्वविद्यालय ने जारी किया है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए दो नंबर में कह रहा है कि ऑनर्स विषय के साथ सब्सिडी विषयों का निर्धारण महाविद्यालय अपने स्तर से नामांकन नियम एवं परिनियम के आलोक में करेंगे। अब देखिए इसके बाद आपका तीसरा है,
यहाँ पर देखिए, ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रवेश लेने के लिए उस संबंधित विषय में न्यूनतम 45% आपका मार्क्स रहना जरूरी है। उसके बाद देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योग्राफी ऑनर्स में प्रवेश उसी छात्र का होगा जिसने इंटर स्तर पर ज्योग्राफी की पढ़ाई की है और उसमें 45% मार्क्स हो। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका इंटर में ज्योग्राफी होना जरूरी है और उसमें आपका 45% मार्क्स भी होना जरूरी है। गृह विज्ञान, होम साइंस केवल गर्ल्स को मिलेगा, छात्राओं को मिलेगा। उसके बाद देखिए, आपका जो भी है पूरा देखिए आगे है कि जो छात्र फिजिक्स ऑनर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स एवं मैथ होना आवश्यक है। ये सब बात का ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट चयन करते समय। ये सूचना विश्वविद्यालय जारी किया है, इसलिए हम वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं क्योंकि आप लोग ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। बीए बीएससी बीकॉम का पूरा गाइडलाइन जारी किया गया एडमिशन का वीकेएसयू की तरफ से। उसके बाद लिखता है, मैथ ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों का इंटरमीडिएट में मैथ एवं फिजिक्स होना जरूरी है। उसके बाद देखिए, केमिस्ट्री ऑनर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सब्सिडी के रूप में फिजिक्स एवं मैथ मिल सकता है अगर इंटरमीडिएट में उन्होंने फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स पढ़ा है। मतलब देखिए, फिजिक्स और मैथ आप पढ़े हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स लीजिएगा तभी आपका सब्सिडी के रूप में फिजिक्स और मैथ मिलेगा। आगे देखिए पॉइंट है, बोटनी एवं जूलॉजी। देखिए, बोटनी एवं जूलॉजी में प्रवेश लेने वाले छात्रों को फिजिक्स एवं मैथ विषय सब्सिडी के रूप में नहीं मिलेगा। उनका कॉम्बिनेशन देखिए इस प्रकार हो सकता है, बोटनी ऑनर्स जूलॉजी सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी कंपोजिशन, या जूलॉजी ऑनर्स बोटनी सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी या कंपोजिशन। अब चलिए आगे, यहाँ पर आपका पॉइंट है, देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा एवं साहित्य कला प्रतिष्ठा में प्रवेश लेने वाले इंटरमीडिएट कला के छात्रों का पूर्णांक 100 के आधार पर ऑनर्स मिलेगा। मतलब अगर आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सब से करना चाहते हैं तो आपका 100 पूर्णांक 100 पर ही आपको ये कट ऑफ बनाया जाएगा। आगे देखिए, आपका यही पूरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए एडमिशन का जो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे देखिए लिख रहा है, अगर कोई छात्र इंटरमीडिएट साइंस बायो ग्रुप से किए हैं और वह केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसे सब्सिडी के रूप में बोटनी एवं जूलॉजी विषय मिलेगा। तो ये सब देख सकते हैं, दिशा निर्देश है एडमिशन का पूरा यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए, यहाँ ग्रेजुएशन में भी लिखा है, छात्रों के सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो इसलिए कॉलेज अपने लॉगिन से नामांकन के बाद ऑनलाइन मोड में निम्नलिखित सुधार सावधानीपूर्वक करेंगे। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कॉलेज देखिए आपका क्या क्या सुधार कर सकता है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग, सहायक विषय, रचना विषय, ये सब कॉलेज सहायक विषय, रचना का विषय, अन्य आपका ये सब कॉलेज सुधार कर सकता है। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका अभी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड कब तक मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका 15 जनवरी 2022 तक आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा, कॉलेज में आप जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं साफ लिखा है। इसके बाद छात्रों का पंजीयन पत्र जो भी आपका है 15/1/2022 तक जारी कर दिया जाएगा। आई होप जो भी आप डिटेल्स पूरा ये जो विवरण जारी किया गया है विश्वविद्यालय में एमए एमएससी एमकॉम बीए बीएससी बीकॉम नामांकन का समझ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।